हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे YouTube चैनल के जो वीडियोस है, यदि हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के एक ही चैनल पे वीडियो है और हम उन्हें अलग अलग सेक्शंस में सेपरेट करना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तो किस तरह से करें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो मान के चलते हैं ये YouTube चैनल है, तो आपको पहले अपने चैनल पे जाना है। ओके, यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, तीन स्टेप रहेंगे इसकी। फर्स्ट स्टेप रहेगी कि हमें पहले प्लेलिस्ट क्रिएट करना है। दूसरी बात रहेगी कि हमारे वीडियोस में ऐड सेक्शन का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना है। तीसरी बात रहेगी कि जो प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड किए हुए हैं उनको अपने सेक्शंस में लिंक करना है। तो ये तीन स्टेप में हम अपने वीडियोस को कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ पर है, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कीजिए। ओके, तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी। अब यहां पर देखिए ये जो ऑप्शंस है, ठीक है, ये होम, वीडियोस एंड प्लेलिस्ट। ओके, तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहां पर क्रिएटेड प्लेलिस्ट, यानी यहां पर किसी तरह का हमारे पास प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, ये जो न्यू प्लेलिस्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए। ओके, तो मैं इसको न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देता हूं। अभी देखिए मेरे जो चैनल पे जो वीडियोस हैं, तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ, मान के चलिए। तो पहला कैटेगरी है कि टेक्नोलॉजी लर्निंग। ओके, टेक्नोलॉजी लर्निंग, तो इसको मैं क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये प्लेलिस्ट क्रिएट होने के बाद इसमें मुझे वीडियोस अपलोड करना है पहले, यानी कि इसमें वीडियोस ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहां पर जो ये तीन डॉट्स दिख रहे हैं, इन तीन डॉट्स पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है ऐड वीडियो, तो ऐड वीडियो करेंगे इसको क्लिक। तो यहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियोस आपको ऐड करके रखना है तो यहाँ पर लेना। तो कहाँ से ऐड करोगे, तो वीडियो सर्च, मतलब आप यूट्यूब से भी सर्च करके यहाँ पर उसका यूआरएल पेस्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास यूआरएल तो यहाँ पर एड्रेस पेस्ट कर दो। उसके बाद योर यूट्यूब वीडियोज, तो यहाँ पर जो मैंने अपने चैनल पे वीडियोज डाल के रखा है तो उसमें कौन सा वीडियो मुझे उस प्लेलिस्ट में ऐड करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो टेक्नोलॉजी लर्निंग के लिए मेरे वीडियोस जो है, तो करीब करीब मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में जी देखिए आप ऑप्शन आपके पास में आता है ये ऐड वीडियो, इस पर क्लिक कीजिए। तो कर लिया हमने, ये टेक्नोलॉजी लर्निंग आपके सामने जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया था उसमें ये सारे वीडियोस ऐड हो गए। ओके, अभी फिर से नया दूसरा प्लेलिस्ट बनाना है मुझे, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने अभी बताया है ठीक वैसे ही जाना है, योर वीडियोस में जाना। योर वीडियोस में जाने के बाद कस्टमाइज चैनल, तो यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको जाना है माय चैनल पे, ठीक है ना। तो माय चैनल पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर कस्टमाइज चैनल कीजिए, तो फिर से ये विंडो आ गई। ओके, अब यहाँ आने के बाद फिर से प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए एक प्लेलिस्ट जनरेट हो चुकी है, अभी दूसरे प्लेलिस्ट बनानी मुझे, तो न्यू प्लेलिस्ट और एक क्लिक करूंगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्कूल लर्निंग, ठीक है ना, कुछ वीडियोस जो है मेरे स्कूल लर्निंग के हैं, तो वो मुझे इस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये फिर से स्कूल लर्निंग वाला आ गया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे ही यहाँ पर फिर से जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करने का है और वीडियो ऐड करना है, तो ऐड वीडियो बोलेंगे इसको। और यहाँ कहाँ जाना है, यूट्यूब वीडियोस पे, ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपके चैनल के सारे वीडियोस आ जाएंगे। और यहाँ से मुझे जो ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने ऐड कर लिया जो इस कैटेगरी के वीडियोस होंगे। ओके, ये आ गए मेरे चार वीडियो इसमें स्कूल लर्निंग में। ओके, अब यहाँ होने के बाद अभी कहाँ जाना है, फिर से हमें अपने वही होम पेज पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, योर वीडियो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर योर वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, और कस्टमाइज चैनल के बाद माय चैनल पे जाना है, ठीक है। तो माय चैनल पे जाने के बाद फिर से कस्टमाइज चैनल, इस कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जो आएगा, अब यहां पर हम सेक्शन ऐड करने वाले। तो अभी ये होम पे देखिए, अभी यहाँ प्लेलिस्ट बना ली हमने, उसके बाद ये होम पे आना है। तो होम पे क्या आएंगे, अब देखो नीचे में सारे अपलोड किए हुए मेरे वीडियोस यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। तो इन वीडियोस को मुझे कैटेगराइज करना है। फिलहाल अभी मेरे पास एक ही कैटेगरी बाय डिफॉल्ट रहता है, वो है अपलोड्स, है ना। तो अभी यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको
एड सेक्शन का, ठीक है ना। अब जिसके पास जिसके चैनल में ये एड सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता, बेसिकली ये रहता है कि ये वाला एड सेक्शन का ऑप्शन आता नहीं है, तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको ये जो दिख रहा है व्हील का सेटिंग वाला सिंबल, ठीक है, तो इस पे क्लिक करने का है, ठीक है। तो ये व्हील पे क्लिक करने के बाद क्या पूछेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आते हैं, तो आपके चैनल पे कभी कभी होता है कि ये वाला जो ऑप्शन है कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल, तो ये ऑफ रहता है, या फिर किसी किसी में ऑन रहने के बावजूद भी वहां एड सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता, तो आपको करना क्या है, एक बार इसे ऑफ करना है और उसके बाद फिर से ऑन कर देना है, के बाद आपके चैनल पे नीचे एड सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो सेव करने के बाद यहां पर आपके पास एड सेक्शन का ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है कि हमें सेक्शन क्रिएट करके उसमें वो प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट को लिंक करना है, ठीक है। तो इस पे क्लिक कीजिए आप एड सेक्शन पे, ठीक है। तो अब एड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या पूछा गया है, कंटेंट मतलब सिलेक्ट कंटेंट करना है आपको, और उसके बाद लेआउट चेक करना है, मतलब कौन सा लेआउट लेना है, ओरिजेंटल या वर्टिकल, ठीक है। तो मैंने सेक्शन ऐड करना है, तो सेक्शन ऐड में आपके पास काफी सारे अलग अलग लिस्ट रहती है, जैसे कि वीडियोस, पॉपुलर वीडियोस है, पोस्टेड वीडियोस है, लाइव वीडियोस है, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम है, पास्ट लाइव स्ट्रीम है, या प्लेलिस्ट आपके पास है तो उसमें से कौन कौन से क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, सिंगल प्लेलिस्ट है, सेव प्लेलिस्ट है, मल्टीपल प्लेलिस्ट है, पोस्टेड प्लेलिस्ट है, तो हर किसी के अलग अलग तरह से आप अपने सेक्शंस बना सकते हो। तो मान के चलो मैं जो यूज करने वाला वो है सिंगल प्लेलिस्ट, ओके। तो ये सिंगल प्लेलिस्ट बना दिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद उसका लेआउट सेलेक्ट करेंगे। तो लेआउट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब जिस तरह से ये वीडियोस दिख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लेआउट में, अगर वर्टिकल बोला तो वर्टिकल में क्या होता है, स्ट्रेट जो कॉलम्स होते हैं उसमें आपकी कैटेगरीज अलग अलग दिखेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस हॉरिजॉन्टल रो में आए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, चूज प्लेलिस्ट, अभी हमें यहां पर प्लेलिस्ट चूज करना होता है, तो यहां प्लेलिस्ट चूज करने के लिए एंटर प्लेलिस्ट यूआरएल बोलेगा। अब यहां क्या करना पड़ता है, यहां पर उसका यूआरएल पेस्ट करना होता है, तो मुझे क्या करना है, वो यूआरएल उस प्लेलिस्ट से इधर लेके आना है, ठीक है ना। तो कौन सा वाला प्लेलिस्ट यूज करूंगा मैं, तो मान के चलते मैं टेक्नोलॉजी लर्निंग वाला है, तो पहले मुझे प्लेलिस्ट पे जाना है, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए पहले, और यहां से हर एक प्लेलिस्ट का मुझे यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये मुझे टेक्नोलॉजी लर्निंग का चाहिए ना, तो इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर जो मैं बता रहा था वीडियो अपलोड करने के लिए जो तीन डॉट्स है उसके साइड में ये एरो आ रहा है ना, तो शेयर का ऑप्शन है, इस शेयर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ जो यूआरएल दिख रही है ये वाली, ठीक है, तो इस यूआरएल को कॉपी करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन कॉपी, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी होने के बाद इसको बंद कर दीजिए और वापस फिर से आपके होम पे आइए। तो होम पे आने के लिए क्या करेंगे आप, योर वीडियोस कस्टमाइज चैनल माय चैनल एंड देन कस्टमाइज चैनल अगेन, तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है। ओके, तो अभी मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है, तो ऐड सेक्शन में जाने के बाद मुझे यहाँ पर सेक्शन ऐड करना है सिंगल प्लेलिस्ट हॉरिजॉन्टल रो, और यहाँ पर प्लेलिस्ट का यूआरएल पेस्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है जो वहां से कॉपी करके आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट होने के बाद में क्या करेंगे हम, इसको डन करेंगे। ओके, तो इसको मैंने डन कर दिया, तो ये आ गई टेक्नोलॉजी लर्निंग, ठीक है ना। तो ये एक सेक्शन ऐड हो गया, पहला वाला जो था अपलोड्स, तो इसमें सारे के सारे वीडियोस आपके साथ एक साथ आते हैं, मतलब जितने भी वीडियोस आपने डाल के रखे ये अपलोड्स में आएंगे, और अब कैटेगरी वाइज आपने बनाया, तो जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी लर्निंग जो मैंने कैटेगरी बनाई, तो उसमें इन वीडियोस में से यहाँ पर जो जो वीडियो सिलेक्ट किया है वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा वाला फिर से लेना है, तो वापस कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद अब मुझे स्कूल लर्निंग वाला ऐड करना है, इसके बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद ये यूआरएल आता है, इसको बोलिए कॉपी। कॉपी करने के बाद में फिर से आपको कहाँ जाना है, योर वीडियोस, यहाँ पर माय चैनल का ऑप्शन नहीं आता, ऑप्शन आएगा तो आपको इधर से भी आ सकता है माय चैनल का ऑप्शन, ठीक है, मेरा कैटेगरी। अभी कस्टमाइज चैनल पे जाना है, कस्टमाइज चैनल के बाद में क्या करना है, अभी आपको वापस से एड सेक्शन बोलना है, और एड सेक्शन में फिर से सिंगल प्लेलिस्ट हॉरिजॉन्टल लेआउट एंटर यूआरएल, और यहां पर इसको पेस्ट कर देना है, और इसको बोलेंगे हम सेव डन। तो देखिए स्कूल लर्निंग का आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर मैं, यहां पर जो आपके सेक्शंस आए वो सेक्शंस को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, ये जो सबसे नीचे आएगा, तो यहां पर देखिए ऑप्शन आता है ऐसा अप एरो वाला,
तो इस अप एरो को दबाऊंगा तो कहां जाएगा वो, ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर चला गया, है ना। अब मुझे सबसे ऊपर जो रखना है ये वाला रखना है, तो फिर से इसको क्लिक कर दे जाओ तो वो क्या जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर मेरा टेक्नोलॉजी लर्निंग आ गया, उसके नीचे मुझे रखना है कि स्कूल लर्निंग वाला, तो इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऊपर चला गया और सबसे नीचे यहाँ पर आ गया अपलोड। आई होप कि ये वीडियो आपको काम में आए अपने चैनल के वीडियोस को कैटेगराइज करने में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए दोस्त होंगे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।